आजा मत जाओ प्लीज मत जाओ। गाइस ये जिंसू है जो मेरे लिए जो आज मुझे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो चीज़ लेकर आया है। तो आज के इस ब्लॉग में गाइस हम लोग बताने वाले हैं आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। आज गाइस 5 जुलाई है और आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सारे बच्चे आएंगे और बहुत सारी मस्ती होगी। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं मैं और ये जिंसू है, हम दोनों मिलके डेकोरेशन का काम स्टार्ट करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा डेकोरेशन का सामान है, ये हैप्पी बर्थडे वाले ये स्टिकर्स हैं, हम इनको फुलाने वाले हैं। गाइस हमें आधे घंटा हो गया है ये इस तरह के बैलून फुलाते फुलाते, बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसा फुलाने में। बेचारा भी जिंसू अकेला लगा हुआ है, पता नहीं गोविंद कितनी देर से आने वाला है और मेरी तो बस की नहीं है इनको फुलाने की, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है इसमें। एक भी नहीं बोला मुझसे तो ये बेचारा जिंसू देखिए मैं दिखा सकती हूँ, इसने इतने सारे फुला दिए हैं ये। गाइस बच्चे आ गए हैं हेल्प करवाने के लिए और लाइट चली गई है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, धूप काफ़ी तेज है। ये देखिए ये कपिल है, ये कपिल है, कपिल हेल्प कर रहे हैं बैलून फुलाने में। कपिल कुछ बोलोगे नहीं, हैप्पी बर्थडे। कल तो 50 बार बोला लेकिन आज कैमरे के आगे एक बार भी नहीं गोविंद। सुगाई देख सकते हैं इतना सा डेकोरेशन तो हमारा हो चुका है, हमने बस हैप्पी बर्थडे लिखा है। कर्टन बहुत जोर से उड़ रही है यार, हवा बहुत तेज चल रही है। हैप्पी बर्थडे टू मी नॉट यू। आप देख सकते हैं मेरे बलून फूटते ही जा रहे हैं, पता है बहुत ज्यादा बलून फूट चुके हैं। चुके हैं 4:10 और ये पूजा और ऋषि का आ गई है हेल्प करवाने, जो मम्मी की हेल्प करवा रही है और खुद ब्लॉग भी। मैं भी फ्री नहीं हूँ, मम्मी को पता है कि मैं भी कितनी बिजी हूँ, कितना सारा डेकोरेशन कर रही हूँ मैं, मतलब 2-3, 1.5-2 बजे से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जब से बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। देख सकते हैं गाइस मेरी हालत भी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है और अभी लाइट भी नहीं आ रही है, 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। उम्मीद तो भगवान से प्रे करना है कि लाइट आ जाए ताकि हमारी सारी मेहनत वेस्ट ना जाए गाइस, बस लाइट आना चाहिए यार। दीदी तुम आई हो, कई बार कैसे बैठ चुकी हूँ गाइस, ताली लग जाए बस मेरे आगे। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे डुकर डुकर बुजुर्ग लोग बैठते हैं ना ऐसे। देख सकते हैं अभी मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो नहीं अच्छी दिख रही है मेरे लिए। मैं जा रही हूँ अपनी शक्ल पर फिल्टर डालने क्रीम पाउडरों के, गाइस देख सकते हैं मैंने अभी बहुत काली लग रही है मेरे से भी ज्यादा, पर मेरे पास कपड़े नहीं पहनने की मैं सोच रही थी। गाइस ये अगली सेटिए दिन बाद मैं गुना गई थी कपड़े लेने, मैंने कंडे पर बाटी सेकी है मम्मी ने और मम्मी अकेली सेक रही है और मम्मी पता नहीं मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि ये कम पड़ जाएंगी। नहीं हाँ नहीं पड़ेंगी, तो मम्मी अकेली लगी है बहुत सारी हेल्प करवाने मेरी। हाय गाइस रेडी हो चुकी हूँ केक का ऑर्डर करने के लिए। तो गाइस बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, बाहर बैठे हैं बेचारे, तो मेरा ही वेट चल रहा था, मैं रेडी हो चुकी हूँ, जल्दी से केक कट करते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 6, हम लोग जल्दी फ्री हो रहे हैं इसलिए हम लोगों ने सब कुछ जल्दी ही किया है। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही है गाइस, चलिए देखते हैं केक केक कैसे काटते हैं, हसीियाँ से काटते हैं फिर चाकू से काटते हैं। और ये देखिए दीपक भी आगे आ चुके हैं, इनको हमने दिखाने की में
पकड़ रहा है सच्ची में।
खत्म हुई है। अभी तो काटे नहीं, खत्म हुई है। नहीं भाई, कोई गर्मी का टाइम है, कुछ ठंडा हो जाए। ये देखिए कितने चाव से केक खा रहे हैं। चल रहा करके एंड फिर और ज़्यादा थकान हो जाएगी तो और अच्छी भी नींद आएगी, तो बस सोना ही है गाइस। बहुत ज़्यादा थक चुकी है गाइस। तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन गाइस यहीं तक का था। बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ करते रहते हैं तो ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि सब लोग रहते हैं ना इस वजह से। तो गाइस आपको मेरा ये बर्थडे सेलिब्रेशन छोटा सा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक देना। गाइस मुझे मेरे बर्थडे वाले आउटफिट से अच्छा ये वाला आउटफिट लग रहा है, क्योंकि मुझे सब कुछ सिंपल सिंपल टाइप का अच्छा लगता है। मैं आपको बता चुकी कि मैंने मार्केट में कितना ट्राई किया ड्रेस के लिए, बट मुझे पसंद नहीं आया। फिर मुझे उसके बाद ये वाला टॉप लेना पड़ा था, सिंपल सा डेली वेयर टाइप का। तो आप लोग ये भी बताना गाइस कि मेरी बर्थडे ड्रेस कैसी लगी। मुश्किल से ये मेरे पास एक रखी थी जो न्यू थी, एक बार भी नहीं पहना था, तो फिर मुझे उसी को पहनना पड़ा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मेरी ये वाली वो वाली ड्रेस कैसी लगी थी गाइस। ओके, मुझे जो गिफ्ट्स मिले थे ना उनको मैं खोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने भी नहीं देखे कि उनमें क्या क्या है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं बनाऊँगी अलग से एक वीडियो। उसमें मैं अपने गिफ्ट ओपन करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि किसी ने मुझे क्या क्या दिया पिछली बार की तरह। जैसे मेरा वो लास्ट ईयर का बर्थडे था तब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी गिफ्ट वाली, तो इसी प्रकार से मैं इस बार भी वीडियो बनाऊंगी। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे।